अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर जरूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी के स्टार्टिंग में न्यूज़ बताई जा रही थी कि शहर की सबसे रिच जियांग फैमिली को 20 साल खोई हुई बायोलॉजिकल डॉटर मिल गई यूए, बट यूए ने बोला है कि वो जियांग फैमिली में तभी वापस आएगी जब जियांग फैमिली फेक डॉटर नियान को बाहर निकालेंगे। रिपोर्टर्स जियांग फैमिली के 3 अडॉप्टेड यंग मास्टर से पूछ रहे थे कि आप यूए को वापस लेके आओगे, बट वो तीनों बिना रिप्लाई करे चले जाते हैं। क्रिस्टन कहता है जियांग फैमिली उस नियान का साथ दे रही है, अगर आप बोलो तो मैं जियांग फैमिली को बैंकक्रप्ट करा दूं। घूरती है तो सॉरी बॉस मैं कुछ ज्यादा बोल गया। ये है हमारी फीमेल लीड यूए, हम बचपन में देखते हैं जब यूए छोटी थी तो नियान ने उसे बंद कर दिया था कि हम दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, वो ऑर्फनेज में रहना, तो अब मैं जियांग फैमिली की बेटी बनूंगी। तो जियांग फैमिली वाले नियान को अपनी बायोलॉजिकल बेटी समझ के ले गए थे। यूए कहती है मैंने जो पता करने को बोला था कर लिया। असिस्टेंट बताता है कि जियांग फैमिली की फेक डॉटर नियान के अलावा 3 अडॉप्टेड यंग मास्टर हैं। सबसे बड़ा मिस्टर बे बिजनेस टाइकून, फिलहाल वो जंगशी ग्रुप का प्रेसिडेंट है, उसने 1 महीने में जंगशी ग्रुप का प्रॉफिट डबल कर दिया। सेकंड यंग मास्टर डॉक्टर किन शहर का सबसे यंग डॉक्टर है, और थर्ड यंग मास्टर लू ज़ाओ एक्टर और सेलिब्रिटी जिसे रेसिंग बहुत पसंद है, फैन गर्ल्स उसके लिए पागल हैं, और तीनों यंग मास्टर अपनी सिस्टर नियान को बहुत लव करते हैं। यू कहती अच्छा तो ये बात है, जियांग फैमिली में जाने से पहले तीनों से एक बार मुलाकात होनी चाहिए। इधर मिस्टर बे अपने सेक्रेटरी को बोल रहा था कि मैं सिर्फ नियान को अपनी यंगर सिस्टर मानता हूँ। फिर मिस्टर बे की प्रेसिडेंट मिंग के साथ ऑनलाइन मीटिंग थी, बट वो मास्क लगा के आती है तो उसे मास्टर टैनू कहता है। प्रेसिडेंट मिंग कहती है मैं किसी को अपना फेस नहीं दिखाना चाहती, तो कहता है अगर हमें कोऑपरेशन करना है तो एक दूसरे के लिए ऑनेस्ट होना पड़ेगा। वो कहती है तो ओके कोऑपरेशन नहीं करते हैं। मिस्टर बे कहता है पता है बाहर कितनी कंपनियां लाइन लगा के खड़ी है मेरे साथ कोऑपरेशन करने के लिए, और तुम्हें क्या लगता है शेयर होल्डर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने को हाँ करेंगे? वो कहती है यहाँ मेरी मर्जी चलती है, और कॉल कट कर देती है। मिस्टर बे सेक्रेटरी कहता है प्रेसिडेंट मिंग की ट्रू आइडेंटिटी के बारे में पता लगाओ। फिर हम डॉक्टर किन को देखते हैं जो पेशेंट की सर्जरी कर रहा था, पर वो काफी नर्वस लग रहा था, तभी एक डॉक्टर आगे उसे दूर कर देती है। वो रोकता है तो उसकी गर्दन पे चाकू रख देती है। पेशेंट को बचाऊं या तुम्हें मारूं चूज करो। तो डॉक्टर बताता है कि ये तो प्रोफेसर मिंग हैं, इन्हें सर्जरी करने दो। प्रोफेसर मिंग के सर्जरी करने पे वो पेशेंट बच जाता है क्योंकि प्रोफेसर मिंग मेडिकल फील्ड में सबसे ज्यादा स्किलफुल है। डॉक्टर किन कहता है तुम पेशेंट के लिए इतना रिस्क कैसे ले सकती हो? तो कहती है तुम जैसे डॉक्टर जो पेशेंट की लाइफ की परवाह नहीं करते डॉक्टर कहलाने के लायक नहीं हूँ। चली जाती है। डॉक्टर किन दूसरे डॉक्टर से पूछता है क्या तुम प्रोफेसर मिंग की ट्रू आइडेंटिटी जानते हो? मैंने इसके मेडिकल रिकॉर्ड चेक किए तो इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। दूसरा डॉक्टर कहता है प्रोफेसर मिंग की आइडेंटिटी काफी मिस्टीरियस है, किसी ने भी आज तक उनका फेस नहीं देखा। तभी डॉक्टर किन को कॉल आता है तो कहता है मैं उस यूए के आने के लिए बिल्कुल हानि करूंगा, वो हमारी सिस्टर नियान को भगाना चाहती है। ग्रैंडपा कहते तो कुछ भी बोल पर तुझे यूएस मिलने आने पड़ेगा। फिर हम लूजाओ को देखते हैं जो अपने फ्रेंड के साथ कार रेसिंग कर रहा था, हर्बर की तरह जीत जाता है। उसके फ्रेंड्स उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं कि इस बार तो तू स्क्रीन राइटर एम के प्ले में काम करने वाला है। लूजाओ कहता है और नहीं तो क्या, मैं स्क्रीन राइटर एम का बहुत बड़ा फैन हूँ। नियान कहती है भाई मुझे जल्दी घर जाना होगा, आज सिस्टर यूए आने वाली है, उस पर अच्छा इम्प्रेशन डालना है। लूजाओ कहता है तू कितनी पागल है, वो यूए तुझे घर से भगाना चाहती है और तू उसके साथ अच्छा बिहेव करने को बोल रही है, तू बहुत काइंड है ना इसलिए बुली होती है। टेंशन मत ले तेरे भाइयों के होते हुए कोई तुझे बुली नहीं कर पाएगा। तभी एक कार वहाँ से बहुत स्पीड से गुजरती है। लूजाओ कहता है तुम सब घर जाओ मैं उस कार वाले को देखता हूँ। लूजाओ के जाते ही नियान कहती है यूए तुझे क्या लगा तो तीन भाई मुझसे छीन लेगी, जेंशी ग्रुप मेरा है। लूजाओ उस कार वाले के साथ रेसिंग करने लगा था, और हम देखते हैं वो कार यूए चला रही है जो उसे बुरी तरह हरा देती है। तो लूजाओ उस कार वाले को कहता है भाई तूने तो बहुत मस्त चलाई है, और जैसे विंडो खुलती है तो एकदम हैरान ये तो लड़की है। वो कहती है क्यों कभी किसी लड़की को कार चलाते नहीं देखा? लूजाओ कहता है क्या मैं तुम्हारी कार में बैठ सकता हूँ? तो वो उसे बिठा लेती है और बहुत स्पीड से कार चला रही थी। लूजाओ कहता है तुम्हारी ड्राइविंग स्किल्स तो बहुत अच्छी है, तो बहुत मस्त हो, क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? यूए कहती है मैं कभी किसी को अपना फ्रेंड नहीं बनाती। सोचती है जिससे लास्ट बार बचपन में फ्रेंड बनाया था मेरा सब कुछ छीन लिया, अभी तो उसे सबक भी सिखाना है। लूजाओ कहता है तुम कितनी रूडली बात करती हो, क्या तुम्हारे पेरेंट्स को पता है तुम ऐसे बात करती हो? पर यूए ब्रेक लगा देती है और कहती है निकल जाओ। और हम पास्ट में देखते हैं बचपन में जब यूए को ऑर्फनेज से किसी ने अडॉप्ट किया था तो वो लोग उसके साथ बहुत बुरा बिहेव करते थे, तो वो लोगों को मार के भाग गई और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा फाइट करती थी। फिर जब उसके रियल मॉम डैड ने उसे ढूंढ लिया तो वो खुशी के मारे रोई पड़ी थी। फिर नियान ने उन्हें देख लिया और फिर उसके मॉम डैड की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। फिर यूए को पता चला कि उसके मॉम डैड का कार एक्सीडेंट नहीं हुआ था, किसी ने मर्डर करवाया था।
और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला मॉम डैड की कार में गड़बड़ नियान ने करवाई थी, इसलिए ही वो जियांग फैमिली वापस आ रही है अपने मॉम डैड का बदला लेने और एविडेंस ढूंढने। लूजाओ को घर से कॉल आता है कि नियान का किडनैप हो गया और वो यूए भाग गई। तो कहता है उस यूए ने मेरी सिस्टर को किडनैप किया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। यूए कहती है तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पे छोड़ देती हूँ। कहता है अभी तो तुम बोल रही थी कि तुम मेरी फ्रेंड नहीं बनोगी, अब मेरी हेल्प कर रही हो। इधर मिस्टर बायो डॉक्टर किन नियान को लेके आते हैं कि हम तुझे जस्टिस दिलाएंगे। ग्रैंडपा पूछते हैं क्या हुआ, तो डॉक्टर किन बताता है कि जिस यूए को आप घर में लाने को बोल रहे हैं उसने नियान का किडनैप करा दिया था। मिस्टर बे कहता है उसके जैसी लड़की जंगशी ग्रुप की वारिस नहीं बन सकती। डॉक्टर किन कहता है वारिस से दूर की बात, वो तो जियांग फैमिली की बेटी भी बनने के लायक नहीं है। नियान कहती है इसमें मेरी की गलती कि मॉम डैड यूए की जगह ऑर्फने से मुझे ले आए थे, शायद इसलिए वो मुझसे नफरत करती है। दोनों कहते हैं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ग्रैंडपा कहते हैं क्या तुम श्योर हो तुम्हें यूए ने किडनैप करवाया था। वो कहती हाँ। ग्रैंडपा पूछते वो कहाँ है, कहती है डर के मारे भाग गई होगी। फिर लूशा भाग के आता है, नियान तो ठीक तो है ना। डॉक्टर किन उसे गुस्से से पकड़ लेता है, तू तो नियान के साथ था, तुझसे इसका ध्यान भी रखा गया, उसे छोड़ के रेसिंग करने चला गया था। यूए कहती है लूशा वो मेरे साथ था वरना मैं इनोसेंट कैसे साबित होती। सब लोग हैरान। वो कहती है हेलो फर्स्ट मीटिंग हमारी, मैं हूँ यूए। डॉक्टर किन कहता है अगर तुम लूशाओ के साथ थी तो नियान को किस लड़की ने किडनैप करवाया। यूए कहती है हो सकता है नियान का किडनैप हुआ ही ना हो, वो नहीं चाहती मैं जियांग फैमिली में वापस आऊँ इसलिए खेल रचाया उसने। नियान कहती मैं झूठ नहीं बोल रही, सच में किसी ने मेरा किडनैप करवाया था और वो बोल रहा था कि यूए ने उसे भेजा है। नियान कहती अच्छा तो फिर बता तेरा किडनैप कैसे हुआ था, तू तो लूशाओ के फ्रेंड्स के साथ थी ना। लूशाओ कहता है हाँ मैं तो तुम्हें अपने फ्रेंड्स के साथ छोड़ के गया था। तभी अचानक आवाज आती है, इनफैक्ट नियान का असिस्टेंट हाओ केक लेके आया था। नियान कहती है हैप्पी बर्थडे मिस्टर बे। हाओ कहता है बॉस नियान ने आपके लिए स्पेशल अपने हाथों से केक बनाया है। नियान कहती है भले तुम मेरे भाई नहीं हो मैं जियांग फैमिली की फेक डॉटर हूँ और ये मेरा घर नहीं है। मिस्टर बे कहता है बकवास बंद करो तुम मेरी सिस्टर हो, मुझे किसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यू कहती है तूने अच्छा ड्रामा किया है। नियान कहती है देख लिया तुझमें और मुझमें कितना फर्क है, तीनों भाई मुझे लव करते हैं, तेरे पेरेंट्स ने भी तुझे एक्सेप्ट नहीं किया था और जियांग फैमिली को मेरे जैसी एक्सीलेंट डॉटर चाहिए। यू उसके थप्पड़ मार देती है मेरे मॉम डैड का नाम मत ले, मुझे क्या लगा कार एक्सीडेंट के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा, बता मैं जियांग फैमिली वापस क्यों आई हूँ। नियान डर रही थी मुझे नहीं पता, तो कहती है मैं तुझसे एक एक करके सारा बतला लूंगी। नियान के डर के मारे हालत खराब थी और हाउस से कहती है तुमने कार एक्सीडेंट से रिलेटेड सारे सबूत मिटा दिए थे ना। और फिर तीनों भाइयों के सामने कहती है सॉरी सिस्टर मैंने तुम्हें गलत समझ लिया कि तुमने मेरा किडनैप कराया था, मुझे माफ कर दो। लूजाओ कहता है अगर मुझे पहले पता तो तुम ही हुए हो तो मैं कभी तुम्हारी कार में नहीं बैठता। अभी ग्रैंडपा आते हैं, अब केस क्लियर हो गया है कि यूए का नियान की किडनैपिंग से कोई लेना देना नहीं था, से यूए हमारे घर पे रहेगी। तीनों भाई हैरान, तो ग्रैंडपा कहते हैं भले नियान जियांग फैमिली की ब्लड रिलेटेड नहीं है पर हमारे घर में पली बड़ी हुई है इसलिए हम उसे बाहर नहीं निकालेंगे, इसलिए यूए और नियान के साथ सेम बिहेव किया जाएगा, इन दोनों में कॉम्पिटिशन होगा, जो जीतेगी वही जंगशी ग्रुप के वारिस बनेगी। 3 महीने बाद इलेक्शन होंगे, मिस्टर बे डॉक्टर किन और लूजाओ जंगशी ग्रुप के वारिस को वोट देके चूज करेंगे। यूए को उसके असिस्टेंट को कॉल आता है बॉस आप प्रेसिडेंट मिंग हो, फेमस प्रोफेसर मिंग हो और स्क्रीन राइटर एम हो, तो आप जियांग फैमिली में रहने क्यों गई हो, कहीं आपको तीनों डॉक्टर सन पे क्रश तो नहीं है। कहती है नो वे, तुम जरा उस हाओ के बारे में इन्वेस्टिगेट करना। वहीं पे मिस्टर बेबी किसी से कॉल पे बात कर रहा था कि जल्दी से प्रेसिडेंट मिंग की आइडेंटिटी का पता लगाओ, जो यूए भी सुन लेती और सोचती है ये मुझे ढूंढने के लिए इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा है, इसे प्रेसिडेंट मिंग के साथ क्या ऑब्सेशन है। पर मिस्टर बे एक कार्ड को देखने लगा था। फिर हम पास्ट में देखते हैं यूए नशे में एक होटल रूम में आ गई थी जो कि मिस्टर बे का रूम था, उसे किस करने लगी थी और उनका वन नाइट स्टैंड हो गया था। मॉर्निंग में वो कहता है तुम पहली हो, बट वो कहती है मैं लड़कों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती, मेरे असिस्टेंट से पैसे ले लेना, और उसे कार्ड देकर चली जाती है। उसने देखा था कि उसके गले पे दो तिल हैं, बट दोनों ने एक दूसरे का फेस नहीं देखा था। कहता है मैं तुम्हें ढूंढ के रहूंगा। यूए उसे देख के कहती है क्या कोइंसिडेंस है। वो कहता है मुझे नहीं लगता है कोइंसिडेंस है, ग्रैंडपा ने वारिस चूज करने को कहा है, तुम आंसर जानने के लिए मेरे पीछा कर रही थी। यूए कहती है मुझे तुम्हारा पीछा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो कहता है तुम फॉरेन में रही हो, तुम्हारी पर्सनलिटी नियान जितनी नहीं है, तो वारिस के लिए फाइट करने में तुम सफर ही करोगी, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे दूंगा। वो कहती है कोई जरूरत नहीं है और चली जाती है। डॉक्टर किन और लूशाओ आते हैं, तुम उसकी हेल्प कर रहे थे, वो नियान को भगाना चाहती है और तुम उसके वारिस बनने में हेल्प कर रहे हो। मिस्टर बे कहता है जो कैंडिडेट क्वालिफाई होगा वही जियांगशी ग्रुप को इनहेरिट करेगा, इस मैटर में मैं यूए या नियान किसी के साइड नहीं हूँ। कंपनी में एम्प्लॉयज बात कर रहे थे कि सुना है यूए और नियान में वारिस के लिए कॉम्पिटिशन होगा और तीनों भाइयों का अप्रूवल चाहिए, फिर तो पक्का नियान ही जीतेगी,
हाँ, वो बताता है कि आप दोनों को मिस्टर बे का असिस्टेंट बन के काम करना होगा। अच्छा काम करेगा, मिस्टर बे उसी की साइड लेंगे। एन कहती है, मिस्टर बे ये रही मिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट की इन्फॉर्मेशन। जल्दी से देखता है पर प्रेसिडेंट मिंग की फोटो नहीं थी उसमें। यू है हैरान, प्रेसिडेंट मिंग? तो कहती है, तुझे नहीं बताया पर फिलहाल जियांगशी ग्रुप का सबसे बड़ा मकसद है प्रेसिडेंट मिंग के साथ कोऑपरेशन साइन करवाना। मिस्टर बे कहता है, नियान सही बोल रही है, मुझे प्रेसिडेंट मिंग की इन्फॉर्मेशन चाहिए। यूए कहती है, पर कोऑपरेशन के लिए प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, प्रेसिडेंट मिंग को क्यों इन्वेस्टिगेट कर रहे हो? नियान कहती है, तुझे पता नहीं है प्रेसिडेंट मिंग मिस्टीरियस फीमेल सीईओ है, किसी ने आज तक उसका फेस नहीं देखा। यूए कहती है, ऐसे तो वो तो कभी भी तुम्हारा प्रोजेक्ट साइन नहीं करेगी। और प्रोजेक्ट देखने लगी थी। नियान सोचती है, तो कुछ भी कर ले पर प्रेसिडेंट मिंग को मैं ही मना के रहूंगी। और फिर नेक्स्ट उससे कहती है, तू ऐसे उठकर आ गई, प्रेसिडेंट मिंग के लिए कोई गिफ्ट भी नहीं लेके आई, अब तो वो तुझसे मिलेगी भी नहीं। ये देख मैं 3 मिलियन के वाइन लेकर आई हूँ। यूए कहती है, जहाँ तक मुझे पता है प्रेसिडेंट मिंग किसी और के दी हुई ड्रिंक नहीं पीती। तभी मिस्टर बे आकर देखता है तो पूछता है, प्रोजेक्ट फाइल कहाँ है? वो कहती है, तुमने इतनी घटिया प्रोजेक्ट फाइल बनाई है इसलिए मैं लेके नहीं आई। वो लोग मिंग ग्रुप में आते हैं। दो एम्प्लॉयज यूए को देख के बातें बना रही थी कि मिस यूए ने असिस्टेंट वाले कपड़े क्यों पहन रखे हैं, जरूर कोई रीजन होगा। एन कहती है, मिस्टर बे लगता है एम्प्लॉयज तुमसे डरते हैं। अभी वहाँ पर प्रेसिडेंट मिंग का असिस्टेंट आता है। एन कहती है, मैं प्रेसिडेंट मिंग के लिए गिफ्ट लेके आई हूँ, ये स्पेशल रेड वाइन। असिस्टेंट यूए की तरफ देख रहा था तो वो कहती है, मेरी तरफ मत देखो मैं कुछ नहीं लेके आई। मिस्टर बे कहता है, सॉरी यूए पहली बार यहाँ आई है ना इसलिए उसे पता नहीं है। यूए सोचती है, ये अचानक मेरी हेल्प क्यों करने लग गया। असिस्टेंट कुछ बोलने वाला था पर यूए उसके पैर पे पैर रख देती है, सॉरी असिस्टेंट। यान कहती है, अब तो मैं प्रेसिडेंट मिंग के लिए रेड वाइन लेके आई हूँ तो क्या वो कोऑपरेशन के लिए हमसे मिल सकती है? असिस्टेंट कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम इतनी सिंसियर थी तो तुम्हें पता होना चाहिए था कि हमारे प्रेसिडेंट मिंग को एक बार किसी ने ड्रिंक में नशा मिला दिया था। मिस्टर बे पूछता है, कब मिलाया था? असिस्टेंट कहता है, वो पास्ट की बात है, तुम्हारे प्रेसिडेंट मिंग किसी से वाइन नहीं लेती। वे कहती है, तो हम प्रेसिडेंट मिंग से कब मिल सकते हैं? असिस्टेंट कहता है, मिल सकते हो पर वेट करना होगा, मुझे लगता है ये लड़की सही है, इस वाले को लेके आना। तो नियान गुस्से में थी। असिस्टेंट कहता है, बॉस क्या आप सच में अपनी प्रेसिडेंट मिंग की आइडेंटिटी रिवेल करोगी? वो कहती है, जब सब मुझसे मिलने के लिए इतने एक्साइटेड हैं तो मुझे खुद जाने पड़ेगा। सोचती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने मिस्टर बे को कहीं देखा है पर याद नहीं आ रहा कहाँ। उन दोनों को साथ में देख के नियान उनकी फोटो खींच लेती है। मिस्टर बे अभी भी उस वन नाइट स्टैंड के बारे में सोच रहा था तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट मिंग आती है मास्क लगा के। मिस्टर बे कहता है, फाइनली मैं तुम्हें ढूंढ लिया। और उसकी गर्दन पे देखता है, दो तिल वाली मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। वो कहती है, अगर तुम एज ए पार्टनर मेरी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो हमारे बीच में कोऑपरेशन की कोई गुंजाइश नहीं है। और जाने लगी थी बट वो उसे रोक देता है, क्या तुम्हें याद नहीं पिछले महीने हमारे बीच में क्या हुआ था? उसे इग्नोर करती है बट वो उसे पकड़ के किस करने लगा था। तो वो धक्का मार देती है, वो पूछता है, अब याद आ गया? और फिर से उसे पकड़ के किस करने लगा था। वो उसका मास्क हटाने लगा था बट वो लाइट बंद कर देती है और अच्छे से मास्क बांध देती है और कहती है, मुझे सब याद आ गया। और सोचती है, उस टाइम मेरी वाइन में नशा मिलाया गया था तो मुझे खुद को डिटॉक्सिफाई करने के लिए किसी की जरूरत थी, पता नहीं था मिस्टर बे वो तुम होगे। कहती है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मिस्टर बे कहता है, तुमने अपने असिस्टेंट का कार्ड दिया था ताकि मैं उससे पैसे ले लूं। वो कहती है, तुम्हें और क्या चाहिए? तो कहता है, मैं तुम्हें जाना चाहता हूँ। उसका मास्क हटा देता है। जैसे लाइट जगाने लगा था वो उसकी मुंडी पकड़ के किस करने लगती है और लाइट जगाने से पहले अपना मास्क पहन लेती है। मिस्टर बे कहता है, तुम मुझे अपना फेस क्यों नहीं देखने दे रही? तो वो कहती है, क्योंकि मास्क के नीचे वो चेहरा है जो तुमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। कहता है, मैं तुम्हें जाना चाहता हूँ। तो कहती है, तुमने ऑलरेडी मेरे बारे में इतना इन्वेस्टिगेट कर लिया है, इतना काफी है, ऑक्शन में मिलेंगे। और चली जाती है। वो सोचता है, इसे कैसे पता कि मैंने इसे इन्वेस्टिगेट किया था। फिर जब यूए जाने लगी थी तो वो रोकता है, कहती है, अगर कोई काम ना हो तो मुझे जाकर प्रोजेक्ट प्लान बनाना है। मिस्टर बे कहता है, तुम्हारी आवाज जानी पहचानी लगती है जिससे मैं मिला था। और वो उसके बाल हटा के गर्दन में देखने लगा था, मैं भी पता नहीं क्या क्या सोच रहा हूँ। वो पूछती है, तुम ये क्या हरकतें कर रहे हो? तो उसके क्लोज को कहता है, अच्छे से प्रोजेक्ट प्लान बनाना, मुझे ऑक्शन में एम्बेरस मत करना। तो वो ओके बोलकर चली जाती है। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? और अपनी गर्दन साफ करती है तो उसके तिल थे। फिर नेक्स्ट डे ऑक्शन होता है। मिस्टर बे प्रेसिडेंट मिंग का वेट कर रहा था पर उसे के पता यूए तो उसके पास ही बैठी है। यूए अपना प्रोजेक्ट डिस्कस करने वाली थी पर उसकी फाइल ही नहीं खुल रही थी और ये सब किया धरा था नियान का। वो खुद स्टेज पे चली जाती है, सॉरी मेरी सिस्टर ना स्टेज पे आके नर्वस हो गई तो उसकी जगह मैं प्रोजेक्ट बताती हूँ। यूए कहती है, तूने किया ना ये सब? नियान कहती है, और नहीं तो क्या, वरना तो मिस्टर बे तेरा साथ देता। स्टेज से उतर जा वरना सबको एम्बेरस करवाएगी। बट यूए से साइड हट आकर कहती है, मैंने जो प्रोजेक्ट प्लान बनाया था वो किसी ने डिलीट कर दिया बट डोंट वरी मैं खुद ही सबको प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ। नियान के तो होश ही उड़ गए थे, इसने सब कुछ याद कर रखा है।
सब लोग उसके प्रोजेक्ट की तारीफ करते हैं तो कहती है, क्या तूने ये प्रोजेक्ट प्लान खुद बनाया था? यूए हाँ करती है तो न्यान सबको वीडियो दिखाती है जिसमें यूए प्रेसिडेंट विंग के असिस्टेंट के साथ है। मिस्टर बे कहता है, ये सब क्या चल रहा है? न्यान कहती है, यूए ने प्रेसिडेंट विंग के असिस्टेंट को रिश्वत दी है, अगर प्रेसिडेंट विंग को पता चला तो कितना बुरा होगा। सिस्टर यूए, मिस्टर बे ने तो उसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। पर मिस्टर बे अगर यूए का हाथ पकड़ लेता है कि हम जियांगशी ग्रुप इस ऑक्शन से विड्रॉ कर रहे हैं। यूए चलो मेरे साथ, वो कहती छोड़ो मुझे, तो कहता है अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो फिर सबके सामने तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, और रिपोर्टर्स को भी मना करता है कि कुछ भी बाहर लीक नहीं होना चाहिए। नैन कहती है, ब्रदर तुम इसे प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो? बट यूए उसका हाथ छुड़ा लेती है, डोंट वरी मैं तुम्हें एम्बेरस नहीं करूंगी। सबको अनाउंस करती है कि मिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट होने के नाते मैं जियांग ग्रुप के प्रोजेक्ट प्लान एक्सेप्ट करती हूँ। सब लोग हैरान कि ये प्रेसिडेंट मिंग है। मिस्टर बे भी देखता है उसकी गर्दन पे दो तिल है। नियान के तो होश उड़ गए थे कि ये प्रेसिडेंट मिंग कैसे हो सकती है। वहाँ बैठे सब लोग अपनी अपनी कंपनी के प्रोजेक्ट दिखाने लगे थे, प्लीज प्रेसिडेंट मिंग हमारे साथ भी कॉन्टेक्ट कर लो। यूए कहती है, नियान तो मुझे जानबूझ के फंसा रही थी। मिस्टर बे कहता है, नियान ये सब क्या चल रहा है? तो नियान कहती है, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सब इस हाओ ने रिकॉर्ड किया था। हाओ उस पर गुस्से से चिल्लाने लगा था पर बॉडीगार्ड्स हाओ को पकड़ लेते हैं। नियान उसे सॉरी बोलने लगी थी कि प्लीज मुझे माफ कर दो, जियांग फैमिली के लिए तुम इतना नहीं कर सकती, और जानबूझ के अपना सिर दीवार में मार के बेहोश हो जाती है। तो मिस्टर बे कहता है, सिस्टर उठो। असिस्टेंट कहता है, नियान तो बहुत चलाक निकली, अपनी सारी गलती का आरोप हाओ पे लगा दिया। यूए कहती है, मैं यही तो चाहती थी, तभी हाओ उसके बारे में सच उगलेगा। तभी लूजाओ आकर यूए को गुस्सा मारने वाला था पर असिस्टेंट उसका हाथ पकड़ लेता है। लूजाओ कहता, बता तूने मेरी सिस्टर नियान के साथ क्या किया है? वो कहती है, मैं कुत्तों को जवाब नहीं देती। लूजाओ कहता है, तुझे क्या लगता है मैं तुझे मार नहीं सकता? डॉक्टर किन पूछता है, क्या हुआ था, उस यूए ने कुछ किया था? नियान कहती है, नहीं मेरी गलती है मिस्टर बे, मुझे हाओ की बात मान के यूए को गलत नहीं समझना चाहिए था, पता नहीं वो मुझे माफ करेगी या नहीं। मिस्टर बे कहता, सही कहा, तुम्हारी गलती है, वो इतनी जल्दी माफ नहीं करेगी। नियान सोचती है, ये हो क्या रहा है, हमेशा तो मिस्टर बे मेरा साथ देता था। डॉक्टर किन कहता है, मुझे नहीं पता क्या हुआ है। मिस्टर बे तुझे तो अपनी सिस्टर नियान का साथ देना चाहिए था। नियान, कोई बात नहीं, फर्स्ट ब्रदर तुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया तो सेकंड और थर्ड ब्रदर करेंगे। अभी मुझे किसी काम से फौरन जाना है तो लूजाओ तेरा ध्यान रखेगा। मेट के बुलाने पे मिस्टर बे और डॉक्टर किन बाहर आते हैं पर यूए लूजाओ का हाथ मोड़ देती है, सॉरी बोलता है तब जाके उसे छोड़ती है। मिस्टर बे उन्हें लड़ने से रोकता है। लूजाओ तू तो शूटिंग पे गया था ना? लूजाओ कहता है, हाँ अभी वापस आया हूँ, पता है मुझे मेरी फेवरेट स्क्रीन राइटर एम के प्ले में काम करने को मिला। असिस्टेंट यूए से कहता है, लगता बॉस से पता नहीं है कि आप ही स्क्रीन राइटर एम हो। यूए कहती है, असिस्टेंट अगर तूने चोरी छिपे मेरी स्क्रिप्ट ऑनलाइन पोस्ट न की होती कोई डायरेक्टर या एक्टर मेरे पीछे नहीं पड़ता। लूजा कहता है, नियान को क्या हो गया, जरूर इस यूए ने बुली किया होगा। मिस्टर बे कहता है, इसने कुछ नहीं किया। तो कहता है, अब तो भाई इसके साइड ले रहा है, भूल गया हम नियान के साथ बड़े हुए हैं, वो हमारी सिस्टर है। मिस्टर बे समझाने की कोशिश कर रहा था। यूए कहती है, हाँ मैंने उसे बुली किया है, यहाँ आने का मकसद ही मेरा ये है, जैसे मैं जियांगशी ग्रुप की वारिस बनूंगी सबसे पहले उस नियान को बाहर फेंकूंगी। लूजाओ कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरे होते हुए कोई भी न्यान को बुली नहीं कर सकता। यूए उसे पकड़ कहती है, मैं उसे नहीं बुली करूंगी तो क्या तुझे करूंगी। तभी ग्रैंडपा का कहते हैं, मिस्टर बे 1 मंथ कंप्लीट होने वाला है, बता तू किसे वोट देगा। मिस्टर बे कहता है, मुझे लगता है दोनों वारिस बनने के लायक है। लूजाओ कहता है, ब्रो तो अब भी उसके साइड ले रहा है। ग्रैंडपा कहते हैं, अब नेक्स्ट मंथ के लिए लूजाओ की बारी है। लूजाओ कहता है, अब देखना यूए मैं तुम्हें कितना इम्पोसिबल टेस्ट देता हूँ। ऐसे ही हुए रूम में जाने लगी थी, मिस्टर बे उस पकड़ के अपने क्लोज खींच लेता है, कहती है कोई काम नहीं है तो निकलो। मिस्टर बे कहता है, मैं चाहता तुम नियान को माफ कर दो, नियान अभी छोटी है पर तुम तो समझदार हो ना, उस पर गुस्सा मत करो। यूए कहती है, क्यों तुम उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो, तुम्हें डर है कि मैं जियांगशी ग्रुप की वारिस बन जाऊंगी? वो कहता है, तुम ऑलरेडी प्रेसिडेंट मिंग हो, अगर जियांगशी ग्रुप में नहीं भी आओगी तब भी तुम्हारी अच्छी लाइफ है। यूए कहती है, अगर मैं प्रेसिडेंट मिंग ना होती तो, और उस दिन लूजाओ मेरे साथ ना होता तो मुझे इनोसेंट प्रूफ कौन करता, और अगर तुम्हारी जगह कोई और होता जो मुझे मारने आया होता तो? मिस्टर बे कहता है, मुझे पता तुमने बहुत कुछ सहा होगा। वो उसे रूम से बाहर निकाल देती है। लूजाओ उसे फोन में कहता है, मैं तुम्हें एक्टिंग का टेस्ट देता हूँ, ये स्क्रीन राइटर एम का प्ले है और तुम जैसी खड़ूस लड़की कभी इस ऑडिशन को पास नहीं कर पाओगी। तो वो फोन काट देती है, गेट खोल के देखती है मिस्टर बे खड़ा है। तुम पूरी रात यहीं खड़े थे? मैं तुम्हारी सिस्टर को माफ नहीं करूंगी। वो कहता है, नहीं तो मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ, अब मैं तुम्हें नियान को माफ करने को नहीं बोलूंगा, चलो मैं तुम्हें छोड़ाता हूँ। नियान सोचती है, मिस्टर बे तेरा साथ इसलिए दे रहा है क्योंकि तू प्रेसिडेंट मिंग है, पर एक बार मैं जियांगशी ग्रुप की वारिस बन जाऊँ तो मुझे तेरी प्रेसिडेंट मिंग की आइडेंटिटी से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और फोन करके कहती है, मुझे जल्दी से स्क्रीन राइटर एम की कॉन्टेक्ट दो।
शूट पे नियान सबको झूठ बोल रही थी कि मैं स्क्रीन राइटर एम को जानती हूँ। डायरेक्टर जाकर यूएस से बात करता है, स्क्रीन राइटर एम आप खुद ही यहाँ पे आ गई? वो पूछती है ये नियान यहाँ कर रही है? डायरेक्टर कहता है मैंने कहा था कि आपके प्ले में आपको एक लड़की चाहिए जो ज्यादा स्मार्ट ना दिखे, इसलिए मैंने इसे बुलाया। ये बोल रही है कि आपको ये जानती है? वो हैरान असिस्टेंट कहता है ये सबको झूठ बोल रही है कि स्क्रीन राइटर एम को जानती है। जब इसे पता चलेगा स्क्रीन राइटर एम तुम हो तो इसका तो बैंड बच जाएगा। तभी लूसा आकर नियान से कहता है तुम्हारे पास स्क्रीन राइटर एम का नंबर है, मेरी बात करवा दो। नियान बहन बनाने लगती है कि वो तो फॉरन में है, पर असिस्टेंट हंसने लगा था स्क्रीन राइटर एम तुम्हारे सामने है और तुम्हें पता भी नहीं। वहीं पे मिस्टर भी आ रहा था, डायरेक्टर से कहता है मुझे तो पता ही नहीं था कि नियान तुम्हारी और लूसाओ की सिस्टर है। मिस्टर बे कहता है मैं यहाँ नियान से नहीं यूएस से मिलने आया हूँ। डायरेक्टर कहता है उसे तो मेरे सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है, आखिर वही तो ड्रामा की स्क्रीन राइटर है। मिस्टर बे हैरान, असिस्टेंट की बात सुन सब लोग बातें बनाने लगते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है ये यूएस स्क्रीन राइटर एम हो। डायरेक्टर वहाँ जाने लगा था पर मिस्टर बे उसे रोक देता है। यूए कहती है क्यों मैं क्यों नहीं हो सकती? लूसाओ कहता है क्योंकि स्क्रीन राइटर एम एक लड़का है। कहीं तुम नियान से जलस तो नहीं हो रही कि उसका सिलेक्शन हो गया? यूए वाज लाइक सीरियसली? नियान कहती है जलस तो मुझे यूए से हो रही है जिसे खुद को प्रूफ करने के लिए ऑडिशन देना पड़ेगा, जबकि मुझे तो डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर ने ऑडिशन से पहले चूज कर लिया। डायरेक्टर कहता है इससे तो पता था कि स्क्रीन राइटर एम को जानती है, तभी मैंने इसे पास किया था, झूठी कहीं की। लूसाओ कहता है स्क्रीन राइटर एम होना तो दूर की बात, तुम तो ऑडिशन भी नहीं पास कर सकती। यूए कहती है अगर मैंने पास कर लिया तो वो कहता है तो तुम मेरे सिर पे किक कर देना। डायरेक्टर कहता है सीरियसली? लूसाओ स्क्रीन राइटर एम के साथ शर्त लगा रहा है? अब तो ये पक्का हारेगा। मिस्टर बे कहता है लूसाओ को मत बताना कि यूएस स्क्रीन राइटर एम है, उसे भी तो एक बार सबक मिलना चाहिए। डायरेक्टर बताता है कि विलन के सीन का शूट होना है। लूसाओ कहता है तो तुम विलन री का रोल करोगी? भले वो विलन है पर री लड़के का भेष बदल के आई थी और लास्ट में उसे हीरो से प्यार हो जाएगा पर हीरो से जान से मार देगा। क्या तुम इतने इमोशनल सीन की एक्टिंग कर पाओगी? फिर सीन की शूटिंग स्टार्ट होती है। लूसाओ खुश हो रहा था कि अब तो वो इस ऑडिशन को पास कर ही नहीं पाएगी, पर यूए अपनी तलवार से उसकी स्क्रिप्ट गिरा देती है तो उसकी क्लोज आने लगी थी। लूसाओ नर्वस हो रहा था तो डायरेक्टर बताता है कि इसे मारना है तो वो उसकी तलवार घुसा देता है। कहती है मैंने तुम्हें बहुत कुछ सिखा दिया है। लूसाओ कहता है मैं तुम्हें जान से मार दूंगा क्योंकि तुमने मेरे अपनों को नुकसान पहुंचाया है। यूए कहती है मैं लास्ट बार पूछ रही हूँ क्या तुम मुझसे लव करते हो? रिया मर चुकी है और गिर जाती है। एक्टिंग खत्म होते हुए जाने लगी थी तो लूसाओ उसका हाथ पकड़ लेता है, तुम तो बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो। कुर्ती है तो हाथ छोड़ के झाड़ने लगा था, मेरा वो मतलब नहीं है, मैंने हाँ कर दी जरूरी नहीं डायरेक्टर हाँ करे। डायरेक्टर तो खुशी के मारे रोने लगा था और सब लोग क्लैपिंग करते हैं। री का रोल तो यूए को ही मिलना चाहिए। वो उसके क्लोज आ रही थी, लूसाओ कहता है अगर तुमने ऑडिशन पास कर लिया इसका मतलब ये नहीं मैं तुम्हारा साथ दूंगा, ने जो किया मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। पर वो उसकी मुंडी पकड़ कहती है मैं सोच रही इस मुंडी को किक करने में कितना मजा आएगा। जैसे वो जाती है लूसाओ कहता है मैं इतने नर्वस क्यों हो रहा था, वैसे इस लड़की की एक्टिंग कमाल की थी। यूए जा रही थी तभी मिस्टर बे आकर उसके आइस पे हाथ रख देता है। वो कहती है क्या तुम नॉर्मल वे से हेलो नहीं कर सकते? वो कहता है और क्या तुम डरने का नाटक नहीं कर सकती? वो कहती नहीं, तो कहता है लूसाओ के सामने तो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही थी। यू उसे दीवार पे पुश कर कहती है क्या तुम जलस हो रहे थे? मिस्टर बे उसे करीब कर कहता है तुम्हारा और लूसाओ का एक किसिंग सीन है, उसे डिलीट करा दो। वो कहती है क्यों? तो कहता है क्योंकि मैं इस ड्रामा का स्पॉन्सर हूँ। कहती है तो विड्रॉ कर लो, मैं खुद स्पॉन्सर कर दूंगी। वो उसे दीवार पे पुश करके किस करने लगा था, एकदम हैरान और उसके काट के धक्का मार देती है और कहती है तुम ये सब करके मुझे जंक्शन ग्रुप का वारिस बनने से रोक रहे हो, और गुस्से चली जाती है। फिर केक बट रहा था तो लूसाओ आकर केक उठाने लगता है। आदमी कहता है तुम नियान के लिए लेके जा रहे हो, अच्छे भाई हो। वो दूसरा उठाता है तो कहता है और ये क्या यूए के लिए लेके जा रहे हो? पर यूए मैंगो नहीं खाती, उसे एलर्जी है। तो सोचता है वो मैंगो केक नहीं खाती, लगता है यूए ने बचपन से बहुत कुछ सहा है। उसके घर आते ही हमने उसे उल्टा सीधा कितना बोला, मैंने उसे कभी भी समझने की कोशिश नहीं की। और कहता है मैं यूए के लिए लेके नहीं जा रहा, मैं अपने लिए दो लेके जा रहा हूँ। स्ट्रॉबेरी केक उठा के ले गया था, नियान उसे स्ट्रॉबेरी केक लेने लगी थी बट लूसाओ उसे हटा के मैंगो केक दे देता है, यूए को स्ट्रॉबेरी केक दे देता है। यूए कहती है सीरियसली तुम मेरे लिए लेके आए हो? लूसाओ कहता है अगर नहीं खाना तो मैं वापस ले जाऊंगा, उठाने वाला था बट वो उसका हाथ पकड़ के अपने ऊपर गिरा लेती है। मैं खा लूंगी, लूसाओ नर्वस था। नियान ये देख के बीमार होने का नाटक करती है। लूसाओ जल्दी से उठ के कहता है तुम्हें चक्कर आ रहे हैं? डायरेक्टर जाता है तुम्हें तो भी शूट करना था, तुम्हारी तबीयत खराब है तो रहने दो। ऐसा करते हैं पहले यूए और लूसाओ का किसिंग सीन शूट कर लेते हैं। लूसाओ को तो कुल्ला ही हो गया था, किसिंग सीन? एन कहती है किसी और का फेक सीन शूट करा लेते हैं। डायरेक्टर कहता है ऐसा नहीं हो सकता। लूसाओ कहता है किसने कहा मैं नहीं कर सकता, मैं करूंगा।
यूए देखती है उसे तो डायरेक्टर से पूछती है लूजा को क्या हुआ, शायद नेक्स्ट किसिंग सीन है ना इसलिए वो नर्वस हो रहा है। फिर सीन शूट होने लगा था, लूजा कहता है तुम कौन हो? री तुम तो एक लड़की निकली। ये कहती है क्यों क्या हो गया, कभी लड़की नहीं देखी क्या, या फिर मेरी जितनी ब्यूटीफुल लड़की नहीं देखी? लूजा कहता है तुम विलन हो, हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता। यूए उसके करीबा कहती है रियली? तभी वहाँ पर मिस्टर बेबी आ गया था और जेलस हो रहा था कि वो दोनों रोमांटिक सीन शूट कर रहे हैं। यूए किसिंग सीन के लिए जानबूझ के हैंड फैन आगे कर देती है ताकि फेक किस का किसी को पता न चले। एक्टर कहता है तुमने ऐसा करके तो सीन को और ज्यादा रोमांटिक बना दिया है। लूजा की हालत खराब हो रही थी, कहता है तुम ऐसे स्क्रिप्ट को चेंज कैसे कर सकती हो? यूए कहती है अगर मैं स्क्रिप्ट चेंज नहीं करती तो तुमसे एक्टिंग नहीं हो पाती आगे, मैंने तुम्हारे लिए चेंज किया है, थैंक यू करने की जरूरत नहीं है। आ रही थी मिस्टर बी उसे वाटर बॉटल देता है, तुमने मेरे लिए स्क्रिप्ट चेंज किया है ना? वो कहती है मुझे भी नहीं पता था तुम भाइयों में रिलेशनशिप इतनी अच्छी है, तुमने लूजाओ के लिए ही सीन चेंज कराया था ना, लगा नहीं था कि तुम अडॉप्टेड भाइयों में भी प्यार होगा। इधर नियान गुस्से में थी, वो यूए सब पे क्या जादू करती है कि सभी उसकी तरफ हो जाते हैं, इस बार तो यूए में तेरी रेपुटेशन ही खराब कर दूंगी। लोग फोटोज देख रहे थे, हमें नहीं पता था यूए ऐसी होगी, तभी तो डायरेक्टर उसके साथ अच्छा बिहेव करता है, पर यूए के आते उन लोगों की बोलती बंद। फ्रेंड बताती है कि किसी ने डायरेक्टर के साथ तेरी फोटो वायरल कर दी। यूए असिस्टेंट को इन्वेस्टिगेट करने को बोल देती है। नियान फोन करती है, असिस्टेंट उठाता है तो कहती है क्या तुम स्क्रीन राइटर एम हो? असिस्टेंट कहता है नहीं मैं स्क्रीन राइटर एम का असिस्टेंट हूँ, मैं क्या चाहिए? नियान कहती है स्क्रीन राइटर एम को पता नहीं है, ड्रामा में एक यूए नाम की लड़की काम कर रही है, डायरेक्टर उसके साथ स्पेशल बिहेव करता है और उसने अपनी मर्जी से स्क्रिप्ट भी चेंज कर दी थी, अब तो उसका डायरेक्टर के साथ वाली फोटो वायरल हो गई, तो ऐसे स्क्रीन राइटर एम के ड्रामा पे बुरा असर पड़ेगा, तो क्यों ना यूए को बाहर निकाल दो। असिस्टेंट कहता है ओके कल सेट पर स्क्रीन राइटर एम आएंगे। फिर फोन काट के असिस्टेंट हंस रहा था जब उसे पता चलेगा स्क्रीन राइटर एम तुम हो तो वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। तभी वहाँ पर लूजा हुआ था और उसे पूछता है तुम तो इतने टैलेंटेड हो तो तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी, मैंने तुम्हें अच्छा इंसान समझा था पर तुम तो वो हो ही नहीं, और गुस्से चला जाता है। नेक्स्ट लोग यूए के बारे में बातें बना रहे थे तो वो सबको भगा देता है और यूए से कहता है तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम आराम से बैठी हो, मैं तुम्हारी जगह होता तो अपना सारा सामान लेके यहाँ से निकल गया होता। यूए कहती है जब मैंने कोई गलती नहीं की तो क्यों जाऊँ यहाँ से? तभी मिस्टर बे आगे उसे डांटता है तो कहता है भाई तुम्हें पता नहीं ये अच्छी लड़की नहीं है। मिस्टर बे कहता है तू चुप रह वो फोटो रियल नहीं है। नियान कहती है मिस्टर बे को जियांग फैमिली की रेपुटेशन की परवाह है ना, तो हमें सबको ये बोलना होगा कि ये फोटो फेक है ना यूए? यूए कहती है अब सब लोग यहाँ पे आ गए हो तो मैं सबको बता देती हूँ, मुझे पता चला है कि फोटो की AI एडिटिंग हुई है, किसी ने जानबूझ के उस फोटो में मेरा फेस लगाया है, रियल फोटो ये है। यहाँ सोचती है इसे रियल फोटो कहाँ से मिल गई, और कहती है जो भी हो तुझे यहाँ से जाने पड़ेगा। यूए कहती है तू मुझे बाहर निकालने के पीछे क्यों पड़ी है, ताकि मैं जंगशी ग्रुप की वारिस ना बनूं? नियान कहती मैं नहीं स्क्रीन राइटर एम तुझे निकालना चाहता है, आज वो पर्सनली यहाँ पे आ रहा है। लूजा कहता सच में? नियान कहती और नहीं तो क्या, मेरे पास सच में स्क्रीन राइटर एम का नंबर है। मिस्टर बे कहता है नियान क्या तुम श्योर हो, तुम्हें स्क्रीन राइटर एम ने ही अपना नंबर दिया था? नियान कहती ब्रदर तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? लोग बात बनाने लगे थे इसे स्क्रीन राइटर एम का नंबर कैसे मिल गया, किसी ने तो आज तक स्क्रीन राइटर एम का फेस भी नहीं देखा। नियान कहती तुम लोगों को मेरा यकीन नहीं है ना, तो मैं अभी स्क्रीन राइटर को कॉल करती हूँ। यूए कहती है क्या पता तू ने किसी रैंडम स्ट्रेंजर से नंबर ले लिया हो, वो स्क्रीन राइटर एम का नंबर हो ही ना। लूजा कहता है तुम्हें बीच में बोलने क्या जरूरत है, चुपचाप नहीं बैठी रह सकती? यूए कहती है क्यों तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? वो कहता है मुझे तुम्हारी चिंता नहीं जियांग फैमिली की चिंता है। नियान यकीन दिलाने के लिए स्क्रीन राइटर एम को कॉल लगाती है और लाउडस्पीकर पर कर देती है हेलो मैं नियान बोल रही हूँ तुम स्क्रीन राइटर एम हो ना? पर उधर से कोई भी नहीं बोलता। यूए कहती है कोई फायदा नहीं कोई नहीं बोलेगा उधर से, तूने तो सीरियसली मेरा नंबर ढूंढ लिया। सब लोग हैरान कि यूए स्क्रीन राइटर एम है। लूजाओ कहता तुम वो नहीं हो सकती। तभी डायरेक्टर आके कहता है यूए ही स्क्रीन राइटर एम है, सिर्फ मुझे और मिस्टर बे को ये बात पता है, और जिसने भी ये फेक फोटो वायरल की है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इस फोटो में स्क्रीन राइटर एम और मैं तो है ही नहीं किसी और की है ये, और तुम स्टूपिड लोगों ने विश्वास कर लिया, क्या तुम लोगों की नजरों में मैं डायरेक्टर ऐसा हूँ? नियान सोचती है क्या मेरा हैकर पकड़ा गया, और बेहोश हो जाती है, तो वो उसे हॉस्पिटल लेके आते हैं। असिस्टेंट यूए को बताता है कि नियान के हैकर और हाउस से प्रूफ मिल गए हैं काफी, क्यों ना उसे अरेस्ट करवा दें? यूए कहते अभी वेट करो एक बार डॉक्टर किन को भी टेस्ट कर लेते हैं। तभी वहाँ पे दूसरे डॉक्टर आते हैं, प्रोफेसर मिंग तुम यहाँ पे? वो कहती है मैं डॉक्टर किन को अपना स्टूडेंट नहीं मान रही। डॉक्टर कहता है ऐसा मत करो डॉक्टर किन अच्छा है डॉक्टर है, बट वो चली जाती है। यूए नियान की रिपोर्ट फाइल देख रही थी, लगता है वो सच में काफी बीमार है। लूजाओ यूए से माफी मांगता है कि मैंने तुम्हारा भरोसा नहीं किया था, अगर तुम चाहो तो मुझे मार के बदला भी ले सकती हो, पर प्लीज नियान को माफ कर दो। यूए मिस्टर बे से पूछती है तुम्हारा? वो कहता है मैं तुम्हें नियान को माफ करने को नहीं कहूंगा। यूए कहती है क्योंकि तुम्हें पता है कि वो सच में मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती थी। डॉक्टर किन कहता है नियान तुम्हें नुकसान क्यों पहुंचाएगी, और वैसे भी नियान ने मेडिकल फील्ड से ग्रेजुएशन कर रखी है,
अगर वो जंशी ग्रुप के वारिस नहीं भी बनेगी तब भी उसकी लाइफ अच्छी होगी, पर तुम्हारा क्या? सूर्या तुम कॉलेज से ड्रॉप आउट हो। वो कहती तुम्हें कैसे पता? तो कहता मेरे काफी कनेक्शन है, मैंने जांच पड़ताल की थी। पुजा कुछ बोलने वाला था पर मिस्टर बे उसे चुप करा देता है। डॉक्टर किन कहता है तुम दोनों इसके लिए पागल हो गए हो। मैंने सुना है एक बार मिंग ग्रुप फाइनेंशियल क्राइसिस में चला गया था, कहीं तुम जियांगशी ग्रुप का सहारा तो नहीं लेने आई? और रही बात स्क्रिप्ट की, वो तो ऑनलाइन जितनी मर्जी पाया कर लो। वे कहती है तुम्हारा मतलब मेरी जो भी आइडेंटिटी है वो सब फेक है, और मैंने ये सब जियांगशी ग्रुप को पाने के लिए किया है। डॉक्टर किन कहता है लगता तो कुछ ऐसा ही है, और वैसे भी जियांगशी ग्रुप के वारिस की पोजीशन पाने के लिए तुम्हें मेरे वोट की जरूरत होगी और मैं कभी हानि करूंगा। एज ए डॉक्टर मुझे लगता है नियान तुमसे बेटर है, तो तुम दोनों में कॉम्पिटिशन की जरूरत ही नहीं है। यू कहती है अच्छा तुम्हें इतना भरोसा है तो क्यों ना मेरे और न्यान के बीच में एक मेडिकल कंपटीशन हो जाए। फिर वहाँ पे न्यान आती है जो अपना बॉडी चेकअप कराने आई थी, तो कहती है यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड ब्रदर के कर रहे हैं, अगर बाहर वालों को पता चला तो कहेंगे तीनों ब्रदर्स ने सिस्टर को स्पॉइल कर दिया है। पर लूसा हंस के कहता है हम तो रियली में यहाँ पे फन शो देखने आए हैं। कहती क्या मतलब? डॉक्टर किन बताता है कि यहाँ पे मेडिकल कॉम्पिटिशन होगा, तुम कॉलेज की बेस्ट स्टूडेंट रही हो ना तो मुझे पता है यूएस से तुम ही जीतोगी। नया सोचती है मेरे तो ग्रेजुएशन के एग्जाम और सर्टिफिकेट मैंने पैसे दे के खरीदे थे, और कहती है अगर इस यूए ने इलाज किया, और कहती है कंपटीशन के चक्कर में हम पेशेंट की लाइफ थोड़ी ना रिस्क में डालेंगे। डॉक्टर किन कहता है सही कहा तुम कितने काइंड हो, मैंने भी इस बारे में सोचा, ये यूए तो फर्स्ट ईयर में ड्रॉप आउट हो गई थी तो हम इसे पेशेंट की सर्जरी नहीं करने देंगे, इसलिए तुम दोनों रिटर्न टेस्ट देना। नियान हाँ कर देती है। यूए कहती है देख ले बाद में मुकरना मत। लूजा कहता भाई मुझे लगता है सेकंड ब्रदर भी हमारी तरह फंसने वाला है। मिस्टर बे कहता है मुझे खुद से कंपेयर मत कर, मैं तुझसे अलग हूँ और मेरा यूएस से रिश्ता तुम लोगों की तरह सिंपल नहीं है। लूजा कहता अगर सेकंड ब्रदर ने हाँ नहीं किया तो यूए हमारी सिस्टर भी नहीं बनेगी, फिर तो मैं पक्का उसे कन्फेस कर दूंगा। डॉक्टर के नियान को कॉम्पिटिशन के लिए मोटिवेट करता है। वो सोचती है मैंने एक सेमिनार को पहले पैसे दे दिए और आंसर खरीद लिए, मैं कभी नहीं हार सकती। तभी दोनों देखते हैं लूसा और यूए को हॉट वाटर दे रहा था पीने को, वो मना करती है पर जबरदस्ती पकड़ा देता है। मिस्टर बे उसे पिलो देता है। फिर क्या लूसा और मिस्टर बे एक एक करके उसे चीज पकड़ाने लगे थे कि ये हमारी विशेस हैं। वो कहती है तो तुम दोनों को लगता है मैं हार जाऊंगी? लूसा कहता है हमारा वो मतलब नहीं है, अगर तुम कॉम्पिटिशन में नहीं भी जीती तो मैं तुम्हें किसी स्क्रीन राइटिंग कंपनी से इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। मिस्टर बे कहता है और तुम्हारे लिए कंपनी में सुपरवाइजर की पोजीशन रिजर्व है। कहती कोई जरूरत नहीं मैं कभी नहीं हारूंगी। और फिर नियान और यूए में राइटिंग कंपटीशन होता है, तो भाइयों के साथ साथ असिस्टेंट भी खड़ा देख रहा था। डॉक्टर किन आकर बताता है कि टेस्ट के रिजल्ट आ गए हैं और दोनों में से एक के फुल मार्क्स आए हैं और वो है यूए। नियान हैरान ये कैसे हो सकता है, ये तो कभी कॉलेज भी नहीं गई। डॉक्टर किन कहता है तुमने कैसे किया? वो कहती है तुम बोल रहे हो कि मैंने चीटिंग की है। डॉक्टर किन कहता है नियान का भी एक क्वेश्चन गलत निकल गया पर तुम्हारे सब सही है। ऐसे यूए कहती है तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो, अगर तुम्हारे जैसे डॉक्टर इमोशंस में उलझे रह गए तो पेशेंट के लिए बहुत बुरा होगा। नर्स आगे बताती है कि एक पेशेंट की हालत बहुत खराब है, डॉक्टर किन उसका ऑपरेशन करने जाने लगा था पर पेशेंट का मल्टीपल ऑर्गन फेलियर था तो वो रुक जाता है। फिर उसके सामने से ही यूए ऑपरेशन थिएटर में चली जाती है, उसने पेशेंट को बचा लिया था, नियान की तो होश उड़ गए थे, वो तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि सर्जरी फेल होगी। यूए कहती है लोगों को कई बार अनजान बीमारियां भी हो जाती हैं, डॉक्टर के लिए मुश्किल है किसी पेशेंट का चेकअप किए बिना बीमारी बताना, पर मैंने सुना है फॉरन में एक नई बीमारी डिस्कवर हुई है, इसके सेम तुम्हारे तरह सिम्टम्स हैं, बेहोश होना चक्कर आना। नियान कहती है तो मुझे क्यों बता रही है? यू उसके करीबों कहती है तो विश्वास कर चाहे मत कर, बुरा करने वालों को फल जरूर मिलता है। डॉक्टर किन उसका हाथ पकड़ कहता है कौन हो तुम, तुम्हारी मेडिकल स्किल्स इतनी अच्छी क्यों है? यू कहती है और तुम कैसे डॉक्टर हो, पेशेंट का इलाज करते वक्त नर्वस हो जाते हो क्यों? मैंने सुना तुम एक बार सर्जरी में फेल हो गए थे। उससे चली जाती है। प्रोफेसर मिंग का थैंक यू करता है मेरी जान बचाने के लिए। तो डॉक्टर किन को पता चल जाता है कि यूए ही प्रोफेसर मिंग है। ग्रैंडपा सब लोगों को जियांग फेयर में बुलाते हैं। यूए कहती है ग्रैंडपा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मेरी तबीयत खराब हो रही है शायद। लूसा कहता है पर अभी तो 3 महीने पूरे भी नहीं हुए, ग्रैंडपा आपको जियांगशी ग्रुप का वारिस घोषित करना है। ग्रैंडपा कहते हैं मुझे नहीं, यूए को कुछ बताना है। यूए कहती है मैंने सबको इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे इन महीनों में कुछ पता चला है, मेरे मॉम डैड का कार एक्सीडेंट कोई एक्सीडेंट नहीं था, किसी ने मर्डर करवाया था और ये रहे सबूत, इस नियान ने मर्डर करवाया था। नियान मना करने लग जाती मैंने कुछ नहीं किया। मिस्टर वे कहता है मजाक मत करो। पुजा कहता है नियान किसी को मार नहीं सकती। वे कहती मेरे पास प्रूफ है कि हाओ और उस हैकर ने भी इसकी हेल्प की थी, उन दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया है, अब सिर्फ यही रह गई। पर तभी नियान की तबीयत खराब होने लगती है। डॉक्टर क्या कहते हैं जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। ग्रैंडपा कहते हैं तू ये सब नाटक कर रही है। वे कहती है ग्रैंडपा हो सकता है इस पर नाटक ना कर रही हो, इनफैक्ट यूए ने उसकी रिपोर्ट देखी थी। वो नियान को हॉस्पिटल लेके आते हैं। लूसा कहता है जिस पे भरोसा किया था वही सबसे बड़ी धोखेबाज निकली और मैं इसे अपनी सिस्टर मानता रहा। मिस्टर बे कहता है सबसे दर्द जिसे हुआ है वो यूए है।
दूसरा कहता आप क्या करें, लगता है नियान काफी बीमार है, हम उसे मरने भी नहीं दे सकते। ये तो उस पर रहम होगा ना। डॉक्टर किन कहता है मैं सर्जरी नहीं कर सकता। मिस्टर बे उसे पकड़ के कहता है उस नियान को उसके कर्मों की सजा दिलाने के लिए तुझे पहले उसका इलाज करना होगा, तू तो डॉक्टर है ना, डर क्यों रहा है, तुझे पहले अपने डॉक्टर की ड्यूटी निभानी होगी। डॉक्टर किन कहता है तुझे क्या लगता है मैं नहीं करना चाहता सर्जरी, बात यह है कि मैं नहीं कर सकता। इनफेक्ट एक बार डॉक्टर किन एक पेशेंट को नहीं बचा पाया था, तब से उसकी हालत हो गई। कहती है मेरे पेरेंट्स का डॉक्टर सन डॉक्टर किन तो पूरा ट्रैश निकला, सिर्फ नाम का ही डॉक्टर है। डॉक्टर किन कहता है तुम तो प्रोफेसर मिंग हो ना, सबसे फेमस मिरेकल डॉक्टर, तुम मेरे दर्द नहीं समझ सकती। कहती है पर मैं अपने डॉक्टर का फर्ज निभाऊंगी, और सर्जरी के लिए चली जाती है। फिर असिस्टेंट उन सबको बताता है कि तुम लोगों को नहीं पता मेरे बॉस ने पिछले सालों से कितना दर्द सहा है, नियान ने उसके पेरेंट्स को छीन लिया और तो और उसका कॉलेज एडमिशन नोटिस भी छीन लिया था। फिर यूए के डॉक्टर पेरेंट्स उसे बहुत अब्यूज करते थे, और फिर जब वो पहली बार अपने रियल पेरेंट्स से मिली अगली बार उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई, तो तीनों को एहसास होता है कि उन्होंने यूए के साथ कितना बुरा बिहेव किया। असिस्टेंट कहता है यूए ने अपने मॉम डैड को खो दिया था, इसलिए वो डॉक्टर बनी ताकि हर पेशेंट को बचा पाए चाहे वो उसका दुश्मनी क्यों ना हो। डॉक्टर किन कहता है मैं भी यूए की सर्जरी में हेल्प करूंगा। यूए को देख नियान डरने लगती है कि ये मेरी सर्जरी करेगी, ये तो पक्का मुझे जान से मार देगी। ब्रदर किन प्लीज मुझे इससे बचा लो। डॉक्टर किन कहता है मैं तुम्हें नहीं बचा सकता, यही तुम्हें बचा सकती है। नियान यूए से माफी मांगने लगती है कि मैं अपने सारे गुनाह कबूल कर लूंगी, प्लीज मुझे मत मारना। और फिर यूए उसकी सर्जरी करके बचा लेती है, पर न्यूज में दिखा रहे थे कि नियान जैसे सर्जरी थिएटर से बाहर आती है यूए उसको थप्पड़ मार देती है, और मर्डर करने के जुर्म में नियान को पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है। और दोनों भाई बैठे स्माइल कर रहे थे, फिर न्यूज में बताते हैं कि प्रेसिडेंट मिस्टर बे ने पूरी पब्लिक के सामने यूए को शादी के लिए प्रपोज किया है। डॉक्टर किन कहता है ये सब क्या है। मिस्टर बे कहता है क्योंकि यूए के लायक सिर्फ मैं अकेला लड़का हूँ। तभी फिर न्यूज दिखाते हैं डॉक्टर किन जिसे लाइक करता है वो है प्रोफेसर मिंग। तो कहता है तू भी। डॉक्टर किन कहता है और नहीं तो क्या, मैं उसके लायक हूँ। फिर न्यूज दिखाते हैं कि लूसाओ ने अभी अभी ऑनलाइन पोस्ट किया है कि वो यूए को लव करता है। मिस्टर बे और डॉक्टर किन कहते हैं तू भी। लूसाओ कहता है हेलो स्क्रीनराइटर एन, आप मुझे कब अपने ड्रामा के लिए बुला रही हैं? आपके पास टाइम है, हम साथ में खाना ना खाएं। वो दोनों सुन रहे थे और उसे पीटने लगते हैं। तभी यूए आती है तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो इसके साथ। लूसाओ कहता है ये मुझे तुम्हारे लिए मार रहे हैं। बट डॉक्टर किन उसके मुंह पे हाथ रख देता है। मिस्टर बे कहता है इसके दर्द हो रहा है वही दूर कर रहे हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।